नमस्कार, मैं जुबिनी शाह न्याय टीवी के कोर्ट राउंडअप में आपका स्वागत करती हूं। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अपराधी विकास दुबे के इनकाउंटर की। विकास दुबे के इनकाउंटर की संभावनाएं पहले से ही लगाई जा रही थी। इसके पांच साथियों का इनकाउंटर हाल ही में कर दिया गया था। इस हालात को देखते हुए कल रात सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें विकास दुबे के इनकाउंटर की संभावना जताई गई थी। मुठभेड़ के नाम पे पुलिस द्वारा अपराधियों को मारना कानून और मानवाधिकार का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता घनश्याम उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि विकास दुबे को कानूनी सुरक्षा दी जाए। याचिका में ये भी कहा गया था कि पुलिस वाले अपराधियों को मार के खुलेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, इस मामले में कोर्ट संज्ञान ले। ये साफ कर दिया है कि छात्रों को स्कूल में फीस जमा करना होगा, नहीं तो छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि जिन माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है वह स्कूल में पैसा जमा करें, अन्यथा उनके बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। यदि किसी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उन्हें स्कूल में सबूत पेश करने होंगे, तभी उनके बच्चों को स्कूल में परीक्षा देनी दी जाएगी। दिल्ली में यदि किसी एडवोकेट को कोरोना हो जाते हैं तो उसके इलाज का पूरा खर्च एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट उठाएगा। ये बात एडवोकेट वेलफेयर ट्रस्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट में कही है। ये जानकारी पीड़ित एडवोकेट के लिए वित्तीय सहायता की मांग करने वाली जनहित याचिका में दिया गया है। ट्रस्ट ने अदालत को ये भी आश्वासन दिया कि वह अपने कोष का उपयोग पूर्व राहत देने के लिए भी करेगा। ट्रस्ट ने ये भी कहा कि वह अब तक 2 करोड़ की सहायता मुहैया करा चुका है। गृह मंत्रालय के आदेश के खिलाफ ला छात्रा ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उक्त छात्रा ने मांग की है कि परीक्षा के वैकल्पिक उपाय पर सरकार ध्यान दे और छात्रों पर परीक्षा का बोझ न पड़े। ये पत्र उक्त छात्रा ने तब लिखा जब गृह मंत्रालय का ये आदेश आया कि परीक्षा अब देनी होगी। मुंबई हाई कोर्ट ने यह कहा है कि ई लर्निंग के खिलाफ सवाल उठाना राष्ट्रहित के खिलाफ है। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति एस एम मोदक की पीठ ने इमरान शेख की तरफ से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद कहा है कि यदि SOP ई लर्निंग को प्रोत्साहित करती है और उसके बावजूद भारत का कोई भी नागरिक इसके इरादों और उद्देश्यों पर सवाल उठाता है तो ऐसा नागरिक केवल अपने देश के हित और भलाई के खिलाफ काम कर रहा है। कोरोना महामारी के मद्देनजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी बैंकों को ये निर्देश जारी किया है कि फिलहाल वो EMI लेने पर रोक लगाएं। जब तक ये महामारी खत्म नहीं हो जाती तब तक निजी बैंक ग्राहकों के खाते से EMI नहीं निकाल सकते हैं। इस मामले को देखते हुए एक संस्था ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निजी बैंकों के खिलाफ एक रिट याचिका सुनवाई योग्य है।
एकल पीठ का विचार था कि कोविड-19 के कारण देश की अर्थव्यवस्था की रक्षा और संरक्षण के लिए जारी किया गया सर्कुलर जनहित में है और देश की अर्थव्यवस्था के भी हित में है। आज बस इतना ही। आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।